नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 15 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, आप रोजगार से जुड़े सभी तरह के समाचार के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल GOV PVT को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट हमारा आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की तरफ। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर निकाली रिक्तियां। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के 59 पद पर आवेदन की मांग की है। जहां तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है, तो ग्रेजुएशन आदि की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31/1/2021 से पहले आधिकारिक वेबसाइट www.ecgc.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। गया के जामा मस्जिद में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह ही गया में भी इसी नाम की एक प्रसिद्ध जामा मस्जिद है। यह बिहार की सबसे बड़ी मस्जिद है। तकरीबन 200 साल पुरानी इस मस्जिद में हजारों लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर के एक शाही परिवार ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। शबीना और तबलीग यहां मनाए जाने वाले बेहद प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहार में मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना की जल्द होगी शुरुआत। बिहार सरकार अब महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतीश सरकार पूरी तरह से तैयारी करने में लग गई है। इसी क्रम में अब महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना को जल्द शुरुआत होने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप हर 2,500 महिला उद्यमियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि हर साल बिहार में 2,500 महिलाएं उद्यमी बनाई जाएंगी। उद्योग विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। स्वीकृति के लिए इसे लोक समिति को भेज दिया गया है। इस योजना को लेकर उद्योग विभाग मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। बिहार के 1511 पैक्सों के लिए चुनाव की तारीख की हुई घोषणा। बिहार के 37 जिलों के 1511 पैक्सों के चुनाव की तारीख की घोषणा की जा चुकी है। ये पैक्स शेखपुरा को छोड़कर बाकी सभी 37 जिलों के हैं। राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने इन पैक्सों के लिए मतदान की तारीख की घोषणा करते हुए इसे 15 फरवरी को तय किया है। इसके साथ ही मतदान खत्म होने के तुरंत बाद उसी दिन मतगणना भी शुरू होने वाली है। आपको बता दें, एक बूथ पर इस बार 700 की जगह केवल 450 वोटर ही मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही प्राधिकार की अधिसूचना के मुताबिक सूचना का प्रकाशन 15 जनवरी को होगा। बिहार में कोरोना के मिले 300 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 314 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,57,943 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 138 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बेगूसराय में 16 तो सारण में 12 मामले सामने आए हैं। ठंड की चादर में लिपटा बिहार। काफी दिनों तक ठंड के राहत के बाद मंगलवार से ठंड ने एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जिसके बाद अब लोगों को कपाने वाली ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में ठंड बिहार वासियों की और ज्यादा परेशानी बढ़ाने वाला है। सूबे में सबसे ठंडा गया जिला रहा, जहां न्यूनतम पारा 5.5 डिग्री पर पहुंच गया है। यहां पर पिछले 24 घंटे में 5 डिग्री की गिरावट देखी गई है। वहीं राजधानी पटना में भी ठंड से बुरा हाल है। हालांकि मौसमविदों ने साफ कहा है कि अभी सूबे में किसी भी तरह की शीतलहर के आसार नहीं है। राज्य के दक्षिणी भाग में उत्तर पश्चिमी हवा चल रही है, जबकि उत्तरी भाग में बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर हवा आ रही है। कृषि विभाग ने बिहार में यूरिया की कोई कमी नहीं होने की कही बात। कृषि विभाग ने किसानों को खत्म हो रही यूरिया के स्टॉक को लेकर भरोसा दिलाया है, जिसके तहत कृषि विभाग ने यह साफ किया है कि बिहार में यूरिया की कोई कमी नहीं है। इस बाबत कृषि निदेशक आदेश तितरमारे की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अक्टूबर से दिसंबर तक 7.50 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है, जबकि केंद्र सरकार से 7.30 लाख मीट्रिक टन मिल चुके हैं। जनवरी में 2.20 लाख मीट्रिक टन की जरूरत है, केंद्र से इतना ही आवंटन मिला है। अभी तक 72,000 मीट्रिक टन मिल चुका है। इसके साथ ही दिक्कत होने पर 0612220814 पर फोन करने की नसीहत दी गई है। वैक्सीन की दूसरी खेप पहुंची बिहार। बिहार समेत पूरे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। इसी बीच बिहार को वैक्सीन की दूसरी डोज भी मिल गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में कोविशील्ड वैक्सीन के 20,000 डोज की दूसरी खेप हवाई मार्ग से बिहार पहुंचा दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से यह दूसरी खेप
दूसरी खेप राज्य को उपलब्ध करवा दी गई है। 3 बड़े बक्सों में इस खेप को बिहार पहुंचाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रति बक्से में 384 वायल कोरोना वैक्सीन रखी गई थी, यानी कि कुल मिलाकर 1152 वायल कोरोना वैक्सीन और आ चुकी है। दक्षिण भारत की यात्रा आसानी से कर सकेंगे बिहारवासी। बिहारवासियों को दक्षिण भारत की यात्रा करवाने के लिए स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन का परिचालन करवाया जाएगा, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तीर्थ यात्रियों के लिए रेलवे ने लगातार दूसरी बार भागलपुर क्षेत्र में टूरिस्ट ट्रेन की सेवा की शुरुआत की है। यह ट्रेन दुमका, जसीडीह, आसनसोल, कटक होकर दक्षिण भारत जाएगी और तिरुपति, मदुरै, रामेश्वर, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम आदि जगहों की यात्रा भी कराएगी, जिसके बाद ट्रेन फिर से उसी रास्ते बोर्डिंग पॉइंट पर तीर्थयात्रियों को छोड़ने का फैसला सुना चुकी है। इसकी जानकारी IRCTC के DGM राजेंद्र बोरबन, सीनियर सुपरवाइजर मनीष कुमार और दीपंकर मुन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। आज कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस करेगी राजभवन मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कृषि कानून पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला सुना दिया है, मगर अब भी कृषि कानून को निरस्त करने की मांग राजनीतिक दलों की तरफ से उठाई जा रही है। इसी क्रम में अब कांग्रेस भी अब किसान बिल के विरोध में राजभवन मार्च करने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस ने बिहार प्रभारी भक्त चरण दास द्वारा दिए गए टास्क पर अमल करना शुरू कर दिया है। उनके निर्देश के अनुसार पार्टी 15 जनवरी को किसान अधिकार दिवस मनाएगी और सदाकत आश्रम में धरना देने के बाद कार्यकर्ता राजभवन मार्च करेंगे। बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माने के साथ मिलेगा मुफ्त ज्ञान। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को सही पाठ पढ़ाने की अब तैयारी शुरू हो गई है। पहले नियमों का पालन नहीं करने वालों से सिर्फ जुर्माने की राशि ली जाती थी, मगर अब राशि के साथ साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों को नियमों का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। वहीं अब समूचे बिहार में यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। खासकर वैसे चालकों को जरूर प्रशासन अपने रडार में ले रही है जो नियम तोड़ते पकड़े जा रहे हैं और यातायात नियमों की जानकारी नहीं है। उन्हें DTO ऑफिस के अधिकारी कर्मचारी ट्रैफिक का रूल समझाने वाले हैं। पटना हाईकोर्ट में निकाली गई बंपर बहाली, रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में बंपर बहाली निकाली है, जिसके तहत हाईकोर्ट में इस साल 1469 अलग अलग पदों पर नियुक्तियां होने वाली है। हाईकोर्ट प्रशासन में राज्य सरकार की तरफ से सृजित 1469 पदों के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल ने अपने कर्मियों को नए साल का तोहफा देते हुए नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली को स्वीकृति दे दी है। नई नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद हाईकोर्ट के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग पदों पर बहाली होगी। हाईकोर्ट के लिए राज्य सरकार ने जो 1469 पद स्वीकृत किए हैं। पटना हाईकोर्ट ने डिग्री की जांच नहीं करवाने वाले नियोजित शिक्षकों को दिया सख्त निर्देश। फर्जी डिग्री के साथ काम करने वाले नियोजित शिक्षकों को लेकर हाईकोर्ट ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। इस बाबत पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को जल्द अपनी डिग्री की जांच करवाने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर नियोजित शिक्षकों ने अपनी डिग्री की जांच नहीं करवाई तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार डिग्री की जांच नहीं कराने वाले शिक्षकों को फरवरी महीने का वेतन नहीं मिलेगा। साथ ही डिग्री की जांच में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दे दिया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1784 में विलियम जोन्स ने कोलकाता के फोर्ट विलियम में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना आज के दिन की थी। 1949 में ब्रिटिश राज के भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय बूचर के KM करियप्पा ने भारतीय थलसेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार आज के दिन ग्रहण किया था। उस दिन से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले तपन सिन्हा का 2009 में उन्होंने आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। 2012 में भारत की प्रथम महिला फोटो पत्रकार होमाई व्यारावाल ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। 1956 में मायावती का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1957 में भानुप्रिया का जन्म, जो अभिनेत्री है, उनका आज ही के दिन हुआ था। 1982 में नील नितिन मुकेश का जन्म आज ही के दिन हुआ था। अजद ने मांझी पर किया पलटवार। मांझी ने बीते दिन 14 जनवरी की याद दिलाई है, जिसके तहत उन्होंने राजद से सवाल पूछा है कि आज ही ना 14 तारीख है जी। उर राजद वाला बड़का नेता लोग कहा था कि 14 जनवरी को जदयू का 17 गो विधायक लेकर महागठबंधन के सरकार बनाएंगे। पता कीजिए तो कि वो लोग खुद ही राजद में है कि निकल लिए, जिस पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, राजद की टेंशन में मत
रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव आपके ही सभी विधायकों को अपने पाले में कर ले। राजद प्रवक्ता ने कहा कि मांझी जी पहले अपने विधायकों को बचा ले। कोरोना काल में नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए निभाई अहम भूमिका। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने कोरोना काल में काफी बेहतर कार्य किया है। लगभग 8000 किलोमीटर की सड़क का निर्माण, 850 ब्रिज का निर्माण, 800 भंडारण केंद्र के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी है, जिसको लेकर नाबार्ड के सीजेएम ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि पिछले साल यानी कि साल 2019-20 में नाबार्ड ने काफी बेहतर कार्य किया है और बिहार में कुल 4147 करोड़ की वित्तीय सहायता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी बैंक, सूक्ष्म ऋण संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंक को दी है। पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है और इस वित्तीय वर्ष 5000 करोड़ की सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब लोजपा ने मांगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा। बिहार में अब सरकार पर और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए। वहीं अब विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सरकार को भी घेरना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में राजद के बाद अब लोजपा ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है, जिसके तहत लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। राजधानी पटना में रूपेश सिंह मामले को लेकर उन्होंने राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि सुशासन बाबू की सरकार में अब आम आदमी सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे। बिहार में आज मैट्रिक पास युवाओं के लिए लगाया जाएगा रोजगार मेला। मैट्रिक और इंटर पास नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। पटना में श्रम संसाधन विभाग शुक्रवार को जॉब कैंप लगाने जा रही है। पटना के दीघा स्थित आईटीआई में श्रम संसाधन विभाग में जॉब फेयर लगने जा रहा है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में 250 पदों के लिए 10वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 22 साल के युवक जॉब फेयर में शामिल हो सकते हैं। ध्यान रहे, यह जॉब कैंप पटना जिले के आवेदकों के लिए ही है। केवल अवर प्रादेशिक नियोजनालय के अनुसार इस जॉब कैंप में सिर्फ पटना जिले के आवेदक ही अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू होगा फरवरी में। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर राज्यवर्धन आजाद ने बताया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए फरवरी से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। उन्होंने आगे बताया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए फरवरी से इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। इसके लिए 10 दिसंबर 2020 को 5:10 तक 65,996 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने हार्ड कॉपी भेजी उनकी संख्या 62,000 के करीब है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के 13 विश्वविद्यालयों के 52 विषयों में 4,648 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है। 1 अप्रैल के बाद स्नातक और इंटर पास करने वाले छात्रों को मिलने वाली राशि होगी दोगुनी। 1 अप्रैल के बाद स्नातक और इंटर पास करने वाली छात्राओं को मिलने वाली राशि होगी दोगुनी। 1 अप्रैल के बाद बिहार में स्नातक और इंटर पास छात्राओं को मिलने वाली राशि दोगुनी होने वाली है। स्नातक पास छात्राओं को अब 25,000 के बदले 50,000 की राशि दी जाएगी। इंटर पास छात्राओं को 10,000 के बदले 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। 1 अप्रैल 2021 के बाद स्नातक पास करने वाली छात्राओं को बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलने वाला है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत शिक्षा विभाग ने सीएम कन्या प्रोत्साहन योजना में राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को भेज दिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही बिहार में यह सुविधा बहाल हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना वासियों को देंगे बड़ी सौगात। पटना वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बाबत आज पटना के आर ब्लॉक दीघा 6 लेन हाईवे का उद्घाटन करने वाले हैं। इस सड़क से उत्तर बिहार से पटना आने वाले लोगों को खास फायदा मिलेगा। बुधवार को पटना में डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने हाईवे का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि हाईवे 15 दिन पहले ही बनकर तैयार हो गया था और पहले से ही इस पर आवागमन भी शुरू है। भारतीय फैन ने सिडनी में हुए वाक्या की बताई सच्चाई। सिडनी में खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे मैच में मोहम्मद सिराज को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर भारतीय फैन ने भी सच्चाई बताई है। जिसके तहत सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद एक भारतीय फैन ने बताया है कि ऑस्ट्रेलियाई दर्शक सिराज और बुमराह के अलावा अजिंक्य रहाणे के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। सिडनी टेस्ट मैच के तीसरे और चौथे दिन लगातार ऑस्ट्रेलियाई फैंस द्वारा नस्लभेदी टिप्पणी किए जाने के बाद मोहम्मद सिराज ने बीच मैच में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस की मदद से 6 लोगों की पहचान करने के बाद उनको स्टेडियम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था।
सुशांत को लेकर इस कॉमेडियन ने मांगी माफी। स्टैंड अप कॉमेडियन डेनियल फर्नांडिस को लेकर सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी और बहिष्कार की मांग उठ रही है। दरअसल सुशांत सिंह मामले में रिया की गिरफ्तारी का मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो बनाया गया था और इसके साथ ही मेंटल हेल्थ को लेकर भी मजाक उड़ाया गया था, जो उसके बाद विरोध हुआ और डेनियल ने माफी मांगी। लेकिन लोगों का कहना है कि यह माफी स्वीकार्य नहीं है। कॉमेडियन ने कहा है कि मेरा इरादा हमेशा आप लोगों को हंसाने का होता है, लेकिन कुछ कोशिशों में मुझसे विपरीत प्रतिक्रिया मिलने वाली बात भी हो जाती है और इसके बाद मैं उस गलती को दूर करने की कोशिश करूंगा। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री ने अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी सैलरी से इनाम देने की कही बात। राजस्व संबंधी कार्यों में पिछड़े अंचलों में मुख्यालय से अधिकारी भेजने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार के राजस्व मंत्री का ऐलान है कि अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी सैलरी से इनाम देने वाले हैं। इसके साथ ही काम में तेजी लाने का तरीका भी कर्मियों को बताएंगे। विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार ने यह फैसला लिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर साल अपने वेतन से 1,11,000 रुपये देने वाले हैं। विभाग इस पैसे को बेहतर काम करने वाले कर्मियों के बीच में बांटेगी। बिहार सरकार के 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। वहीं एक बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी को नए जगह पर पोस्टिंग दे दी गई है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। पदस्थापना की प्रतीक्षा में रह रहे आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को गया का आईजी नियुक्त कर दिया गया है। वहीं गया के आईजी राकेश राठी को आईजी हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके साथ ही पदस्थापना की प्रतीक्षा में रहे बिहार पुलिस सेवा में मनीष कुमार सिन्हा को फुलवारी शरीफ का नया एएसपी बना दिया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिलीप कुमार यादव, सतीश राज, बंधुजा, मोहम्मद कलीम, अनिल सिंह, पंकज कुमार, श्वेता रॉय, ललित कुमार यादव, मंडाव यादव, शिव शक्ति, राम बबीता यादव, रविन्द्र पासवान, मुन्ना कुमार यादव, विशाल पाल, नंदिनी कुमारी, पिंटू कुमार, श्याम कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार का कौन सा जिला सबसे अच्छा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।